बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फरहत का किचन। हम बनाएंगे मीठा ज़रदा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक कप चीनी ली है, एक कप भीगी हुई बासमती राइस लिया है, गुलाब जामुन, 1/3 कप दूध लिया है, 10 से 12 बादाम कटे हुए, 3 से 4 इलायची, ऑरेंज फूड कलर, किशमिश और काजू लिया है। और यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, जब पानी अच्छे से खौल जाएगा तब हम इसमें फूड कलर डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच फूड कलर लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो उस हिसाब से। और यहाँ पे मैंने बासमती राइस इसमें डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह से ये बॉयल हो रहा है। इसे हमें 95% पका लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें 100% इसे कुक नहीं करना है। और ये इसे हमने छान लिया है। और यहाँ पे मैंने एक पतीले में तेल गरम किया है और उसमें हम इलायची डाल देंगे तोड़कर, ताकि तेल में अच्छे से इलायची की खुशबू आ जाए। ये जब क्रैकल हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, इसे हमने इस तरह से अच्छे से पानी को पूरा ड्रेन कर लिया है। और जब तेल ठंडा हो जाएगा, हमने गैस बंद कर दिया था, और जब तेल ठंडा हो जाएगा फिर हम उसमें चीनी ऐड करेंगे। गरम तेल में हमें चीनी ऐड नहीं करना है, वरना चीनी बिल्कुल जम जाएगा और ये जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का ये नहीं बनेगा। और इसमें हम दूध डालेंगे, और दूध डालने के बाद फिर हम गैस को ऑन करेंगे ताकि चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी में। देखिए, चीनी भी हमारा डिसॉल्व हो गया है। आप चाहे तो इसमें और दूध डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखिए, चीनी को हमें अच्छे से डिसॉल्व करना है। बिल्कुल ये अब डिसॉल्व हो गया है, क्योंकि इसमें अच्छे से उबाल आ रही है दूध में। और इसमें हम चावल डाल दें। ये देखिए, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दूध जब अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड करेंगे। दूध को हमें पूरा रिड्यूस कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा एकदम सूखा रहता है। ये देखिए, ज़्यादा हमें इसे नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। एक बार इस मेथड से अपना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा ज़रदा बनके बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।